अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन यहाँ पर हमने फार्मूले की मदद से करना है। ये हमारे पास क्यों भी फार्मूला है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ओपन फॉर्म में है, और हमने इसको क्लोज करना है। हमारे पास फार्मूला था ए माइनस बी का होल क्यूब। ये फार्मूला हमारे पास बराबर था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वेयर बी और प्लस 3 ए बी स्क्वेयर के बराबर था। लेकिन हमने इसको इस फॉर्म में भी लिखा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और यहां से हमने माइनस 3 ए बी कॉमन किया था, तो इधर रह गया था हमारे पास ए माइनस बी। और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास प्लस वाला ए प्लस बी का होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी एंड प्लस 3 ए बी स्क्वेयर, ऐसे लिखवाना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और यहाँ से 3 ए बी आप लोग कॉमन करो, तो इधर रह जाएगा हमारे पास ए प्लस बी। तो ये हमारे पास फार्मूला दोनों सेम है, लेकिन एक फार्मूला हमारे पास नेगेटिव वाला है, दूसरा हमारे पास पॉजिटिव वाला। बाकी टर्म भी हमने यहाँ भी जिस तरह ओपन किए हुए, यहाँ भी हमारे पास इस तरह उसी तरीके से हमने लिखे हुए हैं, लेकिन फर्क सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इन दोनों में हमारे पास साइन का आ रहा है। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये फार्मूला हमारे पास माइनस वाला है। हम इसको थोड़ा सा रिअरेंज कर देते हैं, एक्स क्यूब इसके बाद हमने यहाँ पर लिखवा दिया -64, फिर लिखवा दिया -12x², और यहाँ पर लिखवा दिया हमने +48x। अब यहाँ देखिए ये हमारे पास है x का होल क्यूब बन जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं, ये 64 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4 का होल क्यूब, क्योंकि जब हम 4 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमारे पास 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए कि आप लोग के पास ए की जगह एक्स आया हुआ है और बी की जगह 4 है, तो हमने इस टर्म को लिखना है 3 ए स्क्वेयर बी फॉर्म में। तो ये बन जाएगा -3 ए स्क्वेयर बी और ये टर्म बन जाएगा हमारे पास +3 ए बी स्क्वेयर। अब ए की जगह हमारे पास एक्स था और बी की जगह 4, एंड सिमिलरली यहां पर भी ए की जगह हम एक्स लगा देंगे और बी की जगह 4 लगा देंगे। अब एक बात याद रखिए, अगर आप लोग इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करो तो वापस यही आएगा, देखिए 4 3 12, इधर 4 स्क्वेयर 16 आ जाएगा, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आप लोग के पास आएगा। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ इसको फार्मूले की शक्ल में लिखवा दिया है, तो फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। यूजिंग फार्मूला, फार्मूले के मुताबिक ये बन जाएगा हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, लेकिन ए की जगह आप लोग के पास यहाँ पर है एक्स और बी की जगह आप लोग के पास है 4, और अगर आप लोग इसको 3 टाइम लिखना चाहते हो तो 3 टाइम भी ले सकते हो आप लोग इसको, x-4 x-4 एंड x-4, कोई इशू नहीं है। तो ये हमारे पास फार्मूला था, ओपन फॉर्म में था और हमने इसको क्लोज कर दिया, और ये फार्मूले ऑलरेडी मैं आप लोग को यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो इस फार्मूले को देखकर भी आप लोग इसको फैक्टराइज कर सकते हो। नाउ सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 8x³ प्लस 60x² प्लस 150x एंड +125। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, लेकिन अगर रीअरेंज ना भी करो तो कोई इशू नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे हमने यहां पर इस क्वेश्चन में इसको रीअरेंज कर लिया, रीअरेंज करो या नहीं करो, लेकिन रीअरेंज करने से जो आप लोगों को समझने में आप लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी, रीअरेंज करने से सवाल जो होगा आप लोग के लिए समझना बेहतर हो जाएगा, तो इसी वजह से हमने इसको रीअरेंज कर लिया। अब यहां पर इसको भी हम रीअरेंज कर देते हैं ताकि समझना आप लोग के लिए आसान हो जाए। 8x³ लिखवा दिया
उसके बाद हमने 125 लिखवा दिया, फिर 60x² और उसके बाद 150x लिखवा दिया। अब यहाँ देखिए, इस 8x³ को हम लिख सकते हैं 2x³, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब बनाता है। यहाँ पर 2³ मीन वापस 8 आएगा और x³ आ जाएगा। 125 को हम लिख सकते हैं 5³। अब यहाँ देखिए, ये जो टर्म है आपके पास, ये ए की जगह आ गया और ये टर्म बी की जगह आ गया, तो हम यहाँ पर इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखवा देंगे, 3a² b और प्लस 3ab² तो ए की जगह 2x था और बी की जगह 5, तो यहां भी हम 2x लगा देंगे और साथ 5 लगा देंगे। अब देखिए, 2² बराबर है 4 के, 4 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 20 आ जाएगा और 20 मल्टीप्लाई बाई 3 वापस 60 आ रहा है, 60x². इसी तरह यहाँ भी 5² बराबर है 25 के, 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50 हो जाएगा और 50 मल्टीप्लाई बाई 3 से आप लोगों के पास वापस वही 150x आ जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ हमने इसको फार्मूले की शक्ल में लिखवा दिया, सो यूजिंग फार्मूला। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास फार्मूला पॉजिटिव वाला है, क्योंकि सारे टर्म पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा आप लोग के पास 2x + 5³। और अगर इसको आप लोग 3 दफा लिखना चाहते हो तो 3 टाइम भी ले सकते हो, 2x + 5 × 2x + 5 एंड × 2x + 5, और ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म है, क्योंकि इसको मजीद फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दो सवालों को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन के जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं उनको हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।